सो मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल हम पढ़ रहे थे टॉपिक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसमें हमने थ्री लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके थे। मैंने बताया था कि ईच लेक्चर वी कंसिडर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था एग्जैक्ट कि मैग्नेटिक मैटर और मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जहाँ पे हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हाई और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और मटेरियल के टाइप भी डिस्कस किए हुए थे। तो इसमें किसी को कोई डाउट है जो डिफरेंट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की थी, उसमें किसी को कोई डाउट? ओके तो आज का जो हमारा है वो बेसिकली हमारा इंस्ट्रूमेंट का है कि मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हमें डिस्कस करने, बट उससे पहले थोड़ा सा एक पार्ट लास्ट का रह गया था। एक टर्म रहता है हिस्टोरेसिस कर्व, ठीक है? सो हमारा एक पॉइंट रह गया था रिमेनिंग, दैट वाज हिस्टोरेसिस कर्व। ओके, हिस्टोरेसिस कर्व और लॉस भी बोल सकते हैं हम, हिस्टोरेसिस लॉस। अब लॉस क्यों इसे बोलते हैं देखें, हिस्टोरेसिस कर्व। अच्छा, ऑलरेडी हम एक बार हिस्टोरेसिस कर्व डिस्कस कर चुके हैं, कोई बताएगा किस चैप्टर में हमने ऑलरेडी हिस्टोरेसिस कर्व डिस्कस किया था? इलास्टिसिटी। ओके, गुड गुड, ठीक है। तो आप लोग को एटलीस्ट याद है कि स्ट्रेसिस कर्व हमने इलास्टिसिटी में डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर जो स्ट्रेसिस कर्व, वहां पर कर्व क्या था, लोडिंग थी और अनलोडिंग थी। यहाँ पर स्ट्रेसिस कर्व जो है वो बिलोंग करेगा मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन को। सो पहले हम इसे मैग्नेटाइज करेंगे एंड डीमैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन और डी मैग्नेटाइजेशन को ये स्ट्रेसिस कर्व हमारा डिस्कस करना है। तो देखें स्ट्रेसिस कर्व कैसा रहेगा और क्या क्या उसमें डिटेल्स है, वो सारी चीजें कर लेते हैं। ये जो कर्व है स्ट्रेसिस कर्व हम बनाने वाले हैं, ये दो चीजों के बीच में बनेगा। नंबर यहाँ पर एक्स एक्सिस में रहेगा वो रहेगा कैपिटल एच। बताएं कैपिटल एच क्या है, कैपिटल एच क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब ये एक्सटर्नल है, ये हम अप्लाई करेंगे। समझ आया? ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम अप्लाई करने वाले हैं, एच। और वाई एक्सिस में रहता है आई। आई क्या है बताए? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो ये किससे रिलेटेड है, ये मटेरियल से रिलेटेड है कि वो कितना मैग्नेटाइज होना चाह रहा है। डन। तो अभी क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जब हम जीरो मैग्नेटिक फील्ड पे, तो कोई टेंशन नहीं है, और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाते हैं, ये बढ़ाते जाते हैं मैग्नेटाइजेशन उसका आना चाहिए मटेरियल का, बट मैंने बताया ना कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो पहले थोड़ा टाइम लगता है सबको अलाइन होने में, उसके बाद फिर स्टार्टिंग होती है मैग्नेटाइजेशन की। इसका मतलब जब हम लोडिंग करेंगे तो कर्व यहाँ से नहीं स्टार्ट होता है, कर्व थोड़ा डिस्टेंस से स्टार्ट होता है। समझ आया? तो ये है कि मिनिमम इतनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसमें इवन स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्ट करने के बाद एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाता है। इसके बाद आप चाहे जितना एच बढ़ाओ, जब उसके पास डाइपोल ही नहीं है तो ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो सकता है, इससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं होगा। समझ आया सबको? तो ये ग्राफ है कि वो कैसे मैग्नेटाइज होगा, दिस ग्राफ इज मैग्नेटाइजेशन। डन। और उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, तो हमने उसे मैग्नेटाइज कर दिया और उसका जो आय है वो इतना बढ़ गया, अब उसका मैग्नेटिज जो है पावर बढ़ गया। अब होगा क्या, अब हम एच अपोजिट करना स्टार्ट करते हैं। अपोजिट मतलब पहले हमने एच बढ़ाया, अब एच क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो डिक्रीज कर देंगे तो इसका मतलब उसे वापस यहीं पे आ जाना चाहिए जीरो पे, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ है। तो ये चीज हमें यहां पर समझनी है कि जब हम उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं तो चीजें एग्जैक्ट जीरो पे नहीं पहुंचती हैं, कुछ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है। देख रहे हो,
ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये परमानेंटली है जब हम उसे डीमैग्नेटाइज करते हैं। अच्छा, तो ये परमानेंट है, इस परमानेंट पोजीशन को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। ये पॉइंट क्या बन जाता है हमारा, रिटेंटिविटी। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एक्चुअली रिटेंटिविटी, अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या होगा? व्हेन वी मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस टू इट्स सैचुरेटेड पॉइंट, ये क्या है, सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेटेड पॉइंट। सो टिल इट्स सैचुरेशन पॉइंट, then when we demagnetize it, its magnetization doesn't become zero, okay? So that remaining magnetization is called retentivity. समझ आया सबको retentivity क्या है? अच्छा, अब हम negative में H apply करना start करें, मतलब उसके opposite direction में, कि ये zero हो जाए किसी तरीके से, तो negative में कितना H apply करना पड़ेगा, कितना H negative में, कि I की value क्या हो जाए, zero, ये नेगेटिव एच रिक्वायर्ड। सो दिस नेगेटिव एच रिक्वायर्ड इज नोन एज, कोई बताएगा ये वर्ड क्या है? ऑलरेडी हम बता चुके हैं एक बार, कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बताए कोई? कोएर्सिविटी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ नेगेटिव एच रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज इट कंप्लीटली, जीरो तक डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो नेगेटिव एच है उसको क्या बोलते हैं, कोएर्सिविटी। समझ आया क्या? तो ये क्या है, रिमेन्ड मैग्नेटाइजेशन। कितना मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, और कोएर्सिविटी क्या है, नेगेटिव एच। Required to demagnetize, required to demagnetize completely. Clear? अभी सबको ये पॉइंट समझ आया, इसमें कोई डाउट? ओके, ये हुआ हमारा कोएर्सिविटी और ये रिटेंटिविटी। अब और अगर आप नेगेटिव करोगे तो ये ग्राफ इधर भी आएगा और इधर सैचुरेट हो जाएगा, तो जो ग्राफ यहाँ मिला था वो ग्राफ यहाँ मिलेगा और फिर वापस ये एग्जैक्ट इसी तरीके से पहुंच जाएगा। तो ये हमारा जो होता है, इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व। ये अपोजिट डायरेक्शन की सैचुरेशन है, मतलब एक मैग्नेटिक था, आपने इधर अप्लाई किया तो उसका मैग्नेटाइजेशन इधर हो गया, आपने नेगेटिव मैच अप्लाई किया तो सब लोग रिवर्ट होके जीरो होके फिर अपोजिट में सैचुरेट हो गए। समझ आया सबको? तो इसको भी रिटेंटिविटी और कोर बोलते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन का रिटेंशन है। डन, समझ आया सबको? हिस्टेरेसिस कर्व समझ आया, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, बताएं, क्लियर है सबको? ओके, हाँ सर। ये सिचुएशन थी, ये डीमैग्नेटाइज कर रहे थे और ये फिर से एक टाइप का मैग्नेटाइजेशन है। ओके, तो ये हिस्टेरेसिस कर्व था। अब इसके बेसिस पे हमें दो चीजों की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, तो उन दोनों को लिख लेते हैं। अगर मैं हिस्टेरेसिस कर्व कुछ एलिमेंट्स का बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का हिस्टेरेसिस कर्व रहेगा कुछ ऐसा। सॉरी, ये तो ये हिस्टेरेसिस कर्व है, एच वर्सेस आई कर्व। ये किसके लिए, ये हमने बनाया हुआ स्टील के लिए, स्टील। और अगर हम हिस्टेरेसिस कर्व सिमिलर बनाया दूसरे सॉफ्ट आयरन के लिए, जो कि काफी फेमस है अभी हमारा, तो सॉफ्ट आयरन का स्ट्रेसेस कुछ ऐसा दिखेगा।
ओके ये हो गया हमारा सॉफ्ट आयरन, डन। अच्छा अभी देखिए दोनों की प्रॉपर्टीज स्ट्रेसेस कर्व से क्लियर हो रही हैं। देखो इसकी रिटेंटिविटी क्या है, बहुत ज्यादा, और इसकी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, ये बहुत ही कम होती है। ये फिगर में ये थोड़ा सा सेकंड मैंने उतना अच्छा बनाया नहीं यार, बट ये मानना है कि ये जो सिनेरियो है ये एकदम बहुत ही कम वैल्यू पे रहता है, इस तरीके का ही रहता है ये। ओके तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर हम बात करें कि एरिया इसमें बहुत ज्यादा है, स्ट्रेसेस कर्व का ये जो एरिया है ये इसमें काफी ज्यादा है, तो थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। लार्ज एरिया स्टील में क्या है, लार्ज एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, इसका एरिया क्या है, स्मॉलर एरिया है, ठीक है, लेस एरिया। इससे फर्क क्या पड़ा, लेस एरिया से कर्व क्या पड़ा कि एनर्जी लॉस जो होता है वो ज्यादा होता है, तो अगर मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस क्या होगा, मोर होगा। मतलब जब मैं इसे मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करूंगा तो एनर्जी लॉस काफी ज्यादा होगा, जबकि इस वाले में एनर्जी लॉस क्या होगा, काफी कम होगा। तो मतलब इसे हम बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, हमारा एनर्जी लॉस क्या होगा, कम होगा। फिर एनर्जी लॉस के बात करें तो इसकी दोनों चीजें ज्यादा होती हैं क्या, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी, दोनों चीजें हाई होती हैं। जबकि सॉफ्ट आयरन में क्या होंगी, दोनों चीजें लेस होंगी, सो लेस रिटेंटिविटी एंड लेस कोएर्सिविटी। मतलब क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा, देखें लेस रिटेंटिविटी से फर्क क्या पड़ेगा कि इनको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना टफ होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज टफ, क्योंकि डीमैग्नेटाइज अच्छे से होगा ही नहीं, इसका रिटेंटिविटी बहुत ही ज्यादा है, बट इसके केस में मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन इज इजी, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक हैं, अपने अपने यूजेस हैं। तो ये जो होता है स्टील, अगर उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज बार बार नहीं कर सकते तो इससे हम यूजुअली क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट कहाँ देखने को मिलते हैं, जहां पे भी आप बार मैग्नेट, ये सारे स्पीकर्स, ठीक है, सो जितने भी लाउड स्पीकर टाइप की चीजें होती हैं या फिर मतलब साउंड से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है वो परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। ये क्या बन जाता है, ये हमारा जो है टेम्परेरी मैग्नेट बनता है, तो ये हमारा बनता है टेम्परेरी मैग्नेट, मैग्नेट, और इट्स बेटर टू से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। सो टेम्परेरी मैग्नेट होता है विच इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, कोई बताए कुछ एग्जांपल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के। इलेक्ट्रॉनिक स्कूल बेल, हाँ, तो जहां पे कुछ भी हो कि करंट अप्लाई कर रहे हैं और फिर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, वो सारे केसेस में हम जो पढ़ेंगे अपने क्लास ट्वेल्थ में उसमें होते हैं कई सारे, जैसे डिफरेंट डायनामो होते हैं जिनसे करंट जनरेट करते हैं, करंट में तो मोटर मूव कराते हैं, वहां पर हम एक ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें होता है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजें होती हैं जहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं।
जहां पे सिर्फ करंट अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिज्म रहेगा, अदरवाइज तुरंत खत्म हो जाएगा। तो स्टील और सॉफ्ट आयरन में ये दोनों डिफरेंस सबको समझ आया? ओके फिर एक चीज होती है शील्डिंग। शील्डिंग क्या चीज है? शील्डिंग मतलब सपोज यहां पर एक बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, ठीक है, और यहां पर आपको चाहिए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिज्म ना रहे, तो आप क्या करो किसी भी मटेरियल से इसको कवर कर दो, और अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर वो मैग्नेटिक मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू से एस तक जाएगी, इसको क्रॉस कभी भी नहीं करेगी। क्लियर? तो ये हमारा बन जाता है क्या, शील्डिंग। क्लियर? तो ये जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसमें कुछ लिखने जैसा कुछ बात है नहीं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बी, तो अंदर क्या हो जाएगा, इनसाइड पे अगर देखे तो बी होगा जीरो। समझ आया सबको? इस सेटअप को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक शील्डिंग। डन। ओके मैग्नेटिक शील्डिंग ओके है, मैग्नेटिक शील्डिंग में कुछ खास है नहीं। तो ये था हमारा जो मटेरियल से रिलेटेड पार्ट था। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्या, इंस्ट्रूमेंट्स। हम डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अब स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इसमें इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। क्या? मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर MCG। ओके तो देखिये मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर में काफी सारी चीजें हैं। देखें तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये जो हम देख पा रहे हैं ये उसका टॉप व्यू। टॉप व्यू, टॉप व्यू मतलब क्या है? पर्पस देखें टॉप व्यू का मतलब क्या है यहाँ पर एग्जैक्टली। टॉप व्यू का मतलब ये कि अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि ये मैग्नेट ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप में कर्व्ड है। क्लियर? तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये ऐसे स्ट्रेट मैग्नेट नहीं है, ये कैसे मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल टाइप के कर्व्ड मैग्नेट है। अच्छा अगर स्ट्रेट होते तो क्या होता? स्ट्रेट होते तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती? इस तरह से जाती। सब समझ पा रहे हैं? अगर ये मैग्नेट ऐसे स्ट्रेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने जैसे ड्रॉ की वैसी जाती। अच्छा बट हमारा पर्पज है कि ये जो यहाँ पर हमारे पास कोर है, ये क्या है, कोर, सिलेंड्रिकल कोर है, सिलेंड्रिकल कोर। तो ये जो सिलेंड्रिकल कोर है हमें चाहिए कि पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो, इसमें से सेंटर्ड हो। तो इसलिए ये कैसी रखी जाती है, सर्कुलर कर्वेचर रखा जाता है, जिससे पूरी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो, सेंटर की तरफ फोकस्ड हो। तो ये एक स्ट्रक्चर का इसका एडवांटेज टाइप है। सबको ये चीज समझ आ रही है कि नहीं, स्ट्रक्चर में कि सिलेंड्रिकल रखते हैं जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक जो फील्ड है, फ्लक्स है, वो कहां से हो, इस वाले लूप में से पास हो। ये क्या है, लूप है, मतलब करंट की वायर्स है। तो ये क्या है, लूप, लूप्स ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, क्योंकि करंट इनमें फ्लो होने वाली है, कंडक्टिंग वायर्स।
और ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। तो ये टॉप व्यू है, अगर आप टॉप से देखेंगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो लगेगा। ये हम बात करें, ये क्या है, ये है साइड व्यू। देखिए साइड व्यू में एग्जैक्टली क्या है, तो अगर आप साइड से देखें तो आपको सिचुएशन ये मिलेगी कि एक सिलेंड्रिकल कॉइल है। अब होने क्या वाला है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है ये इस लूप में से जाएगा, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में से जाएगी। तो इसका मतलब ये लूप क्या फील करेगा, एक फोर्स फील करने लगेगा। क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है मतलब क्या फील करेगा, एक टॉर्क फील करेगा। और यहां पर एक लगी होती है क्या, स्प्रिंग। अच्छा, इस स्प्रिंग का काम क्या है कि जब ये घूमता है, मतलब इस पे टॉर्क लगता है और ये घूमता है, तो ये इसे रेजिस्ट करता है और वो रेजिस्ट के अकॉर्डिंग नीडल यहाँ पर रोटेट करती है। तो स्टेप समझा रहा हूँ वर्किंग कैसा है, वर्किंग में लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि जैसे ही इसमें से वायर है, यहाँ पे इन है और यहाँ से आउट होगी, तो जैसे ही करंट इसके अंदर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी थी, जैसे ही करंट जाती है उसका क्या आ जाता है, एम, एन आई ए से क्या आ जाता है, एम। और एम आता है तो उसमें क्या लगने लगता है, टॉर्क, कैसा, एम बी साइन थीटा का। जैसे ही टॉर्क लगता है ये रोटेट होने लग जाता है और उसके वजह से नीडल रोटेट होती है। तो आपको ये समझ आया कि वर्किंग क्या है, गैल्वेनोमीटर काम कैसे कर रहा है, बताए सब लोग, वर्किंग समझ आया क्या होता है। करंट फ्लो कराते हैं हम सर्किट में, लगाया सर्किट में लगाने के बाद, करंट फ्लो कराने के बाद उसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, उससे टॉर्क आ जाएगा और टॉर्क से ये नीडल घूम जाएगी। समझ आया क्या सबको, बताए। हाँ सर। ओके गुड, ये देखो बोर्ड्स में भी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे डिटेल में क्या क्या लिखना होता है वो सब कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले क्या है यार, हमारा वर्किंग है, वर्किंग कैसा होता है। तो वर्किंग में पूरा ऐसा लैंग्वेज वाइज नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, करंट ड्यू टू करंट फ्लो इन लूप, फ्लो इन लूप क्या जनरेट होता है, एम। Then, M के वजह से क्या आता है, टॉर्क, एंड टॉर्क के वजह से देन क्या होता है, थीटा। क्लियर, तो आप इसको डिटेल में वर्किंग लिख देंगे, मैंने सिर्फ आपको स्टेप बता दिया कि वर्किंग में हमारी क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो सॉल्व कर लेते हैं, वर्किंग में कैसे क्या क्या सॉल्व करना है हमें। हमें सबसे पहले चाहिए क्या, टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा, एम बी साइन थीटा। एम का फॉर्मूला क्या है, एन आई ए इंटू बी साइन थीटा। सबको क्लियर है यार ये। अच्छा, तो अगर मैं देखूं कि टॉर्क डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, एन ए बी साइन थीटा, ये सब लोग तो क्या है, फिक्स है। अच्छा, ये थीटा यहाँ पे मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे रखा जाता है कि बी और लूप कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये हट जाएगा और ये आ जाएगा आई। मतलब टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आई आएगा। ठीक, तो जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा टॉर्क लगेगा, ये हमारा पहला टारगेट था। दूसरा, एक रिजिडिटी के फॉर्मेट पे भी हम डिस्कशन करते हैं, रिजिडिटी के फॉर्मेट में। रिजिडिटी मतलब क्या, वो जो मैंने आपको भी बताया कि यार ये वायर होती है, जो स्प्रिंग होती है उस पर टॉर्क लगता है तो स्प्रिंग रोटेट होती है, उसके वजह से वहां पर हम एक एक्स्ट्रा टॉर्क जनरेट करते हैं रिजिडिटी के वजह से। तो इसको साइड बाई साइड ही कर लेते हैं, टॉर्शनल रिजिडिटी के बारे में अगर हम बात करें तो एक टॉर्क और आता है विच इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और हम उसे बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, दैट इट इज रिटन एज सी इंटू थीटा। सी इंटू थीटा में जो सी है, दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल रिजिडिटी।
टॉर्सनल रिजिडिटी। तो वो जो स्प्रिंग लगी है ये किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि टॉर्सनल रिजिडिटी कितनी है। तो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन स्प्रिंग, अपॉन स्प्रिंग। वो जो वहां पर स्प्रिंग रखा है उसका टॉर्सनल रिस्टोरिंग कितना है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं दोनों चीजें उससे कंपेयर करूं ये टॉर्क और ये टॉर्क, तो देखो अगर टॉर्क करंट पे डिपेंड करता है और यहाँ पर टॉर्क किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे डिपेंड करता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो थीटा है वो खुद टॉर्क पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो दोनों बातें हम लिख सकते हैं, तो वो टेंशन नहीं लेनी आपको। कुछ बुक्स में थीटा पहले लिखा होता है। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो कंपेयर से क्या समझ में आएगा कि थीटा और आय दोनों सेम हो सकते हैं। तो दो टाइप के कंपैरिजन होंगे, कंपेयरिंग कंपैरिजन क्या होगा कि टॉर्क बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड, उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। सो टॉर्क ऑफ डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ रीस्टोरिंग। तो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या था अभी हमने जस्ट देखा, एन ए बी और आई ऐसे बाहर आया था, या पूरा लिख लेते हैं एन आई ए इंटू बी, ये था, और डिफ्लेक्शन टॉर्क था सी इंटू थीटा। ठीक। अच्छा, थीटा से अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मतलब थोड़ा ध्यान देना कि ये थीटा अलग है, ये जस्ट 90 डिग्री है, ये डिफाइंड वाला थीटा है। तो फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन रहे तो ध्यान देना, ये थीटा डिफ्लेक्शन है। तो अगर हम बात करें यहां से कि आई बाई थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वो हो जाएगा सी ओवर एन ए बी इंटू थीटा। ठीक। और इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू के थीटा, और आई प्रोपोर्शनल टू थीटा। देन तो ये जो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा आया हुआ है, या फिर आई इज इक्वल टू के थीटा आया है, इस के को जो हम बोलते हैं वो एक्चुअली पूरी गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सी डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कौन सा है, और एन ए बी किस पे डिपेंड करता है? लूप पे, एंड एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। सो किस पे डिपेंड करता है ये दोनों चीजें? लूप पे, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स एंड एरिया। और ये एग्जिस्टिंग मैग्नेट्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये जो के है ये पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है? गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी बोलते हैं। सो वेयर ये जो है हमारा, ये है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वेयर के इज इक्वल टू सी बाई एन ए बी इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट। ओके, तो फिर से देखें कि हमें पता है हमारे वर्किंग में हमें पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फिर टॉर्क निकालना है, और फिर एंगल देखना है। तो हमने दो पार्ट में कर लिया, ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है और ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है। तो ये हम बोल सकते हैं ये जो है हमारा, ये डिफ्लेक्शन टॉर्क है, मतलब जो डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, और फिर सेम अमाउंट का रिस्टोर करता है ये वाला। तो ये बन जाता है हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ये जो स्प्रिंग लगा होता है ये उसे रिस्टोर करता है जो मैग्नेटिक फील्ड इसे रोटेट करा देता है। तो यहां से हमें दिख रहा है कि करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा आता है, और दोनों में कंपैरिजन करके गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी हम बता सकते हैं। फिर एक टर्म और आता है सेंसिटिविटी, याद है सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या चीज होती है? फॉर हाउ मच स्मॉल करंट थीटा इज हाउ लार्ज, याद है?
सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करती है? फॉर स्मॉल करंट थीटा कितना लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा थीटा उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी, और जितना स्मॉल आई उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी। जितना कम आय के लिए जितना ज्यादा थीटा होगा वो हमारा रहता है क्या? ये डन। ओके, तो सेंसिटिविटी के बारे में बात करें, थीटा अपॉन आई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो थीटा अपॉन आई देखे तो के का उल्टा ही तो हो जाएगा ना, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा यहां से देखें, ये हो जाएगा एन ए बी ओवर सी। तो सेंसिटिविटी कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम यहां से देख सकते हैं। डन। सेंसिटिविटी कैसे चेंज कर सकते हैं ये हम इस फिगर से प्रॉपरली देख सकते हैं कि एन ए बी पे डिपेंड करेगा और सी पे डिपेंड करेगा। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कुछ बहुत खास नहीं है, जैसे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वर्किंग तो हमने देख ही ली, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कुछ। ओके, प्रॉपर्टीज नंबर वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी क्या, कि जो इसका इनर कोर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल रखा जाता है। रीजन कि ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इससे पास हो। तो प्रॉपर्टीज कुछ देख लेते हैं। नंबर वन, इनर कॉइल इज, इनर कॉइल इज सिलेंड्रिकल। इनर कॉइल इज सिलेंड्रिकल, देन क्यों? सो दैट मैक्स फील्ड और फ्लक्स कैन पास। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल क्या होता होगा आप बताएं, कोर का मटेरियल कैसा होता होगा, सॉफ्ट आयरन होता होगा या स्टील होता होगा? बताए, अभी हमने देखा, हाँ, सॉफ्ट आयरन या स्टील? ये जो कोर है सॉफ्ट आयरन। ओके, सॉफ्ट आयरन। रीजन क्या है कि अगर स्टील बना देंगे तो वो खुद थोड़ी देर में मैग्नेट बन जाएगा ना, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जब तक करंट जाए तब तक मैग्नेटिक मोमेंट आए, और जैसे ही करंट ऑफ, आई जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट तुरंत जीरो। समझ आया ना, कोई भी रिटेंटिविटी नहीं होनी चाहिए एक भी। सो द मटेरियल ऑफ कोर इज सॉफ्ट आयरन। डन। रीजन क्या है? So that it can behave like a electromagnet, okay? So that it behaves like electromagnet. Electromagnet. Permanent magnet नहीं बन जाए वो। फिर मैग्नेट्स का क्रॉस सेक्शन भी क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल रहता है। ओके, सो क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट्स इज आल्सो सिलेंड्रिकल। तो इनका रीजन क्या है, बिल्कुल सिमिलर ही है। क्यों? जिससे मैग्नेटिक लाइंस रेडियल हो पाए और बहुत ही बेटर तरीके से लूप में से पास हो सके। सो दैट मैग्नेटिक लाइंस बिकम रेडियल एंड फोकस थ्रू द लूप। समझ आया? सो लूप में से ही पूरी फोकस हो जाएंगी, ये हमारा टारगेट रहता है। क्रॉस सेक्शन जो है सिलेंडर मैग्नेट्स का
वो रेडियल रखने का. सो क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेट्स सिलेंडर रखने का, डन. और रीजन कैसा है कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है. सो आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है फॉर डीसी करंट. फॉर डीसी करंट क्लियर. एसी के लिए काम करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि एसी में तो बार बार फ्लक्चुएट होगा ना. एसी में फ्लक्चुएशन आने लग जाएगा आई में. तो एसी का हम एसी वाले में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए फिर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होंगे. बट ये श्योर है कि ये गैल्वेनोमीटर काम नहीं आएगा. तो ये होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में किसी को डाउट? स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट कैसा है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के स्ट्रक्चर में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर. गुड, तो वापस आते हैं, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे. उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप है एमसीजी को हम दो तरीके से यूज करते हैं. कैसे बताएं? वोल्ट मीटर एंड एमीटर, डन. इसमें सेंसिटिविटी जो होती है वो कौन सी होती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी. और इसमें क्या होती है? करंट सेंसिटिविटी. याद है? और उन दोनों की रेशियो से क्या निकालते हैं? रेजिस्टेंस निकालते हैं. क्लियर है सब? तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कहां पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक. या इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में. ऑलरेडी डिस्कस्ड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसका मतलब अगर मैं चैप्टर बोलूंगा कि बेटा मैग्नेटिज्म एंड मैटर आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको क्या पढ़ लेना चाहिए? करंट में इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट में गैल्वेनोमीटर और एमीटर पढ़ लेना है. समझ आया? हाँ. अच्छा, इस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिए क्या? नहीं दिए. इस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन अगर कोई टेस्ट होगा तो ये वोल्ट मीटर और एमीटर आ सकता है. बिल्कुल क्लियर रहेगा? हाँ. तो ये यहाँ पर फिर हम छोड़ रहे हैं. तो पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. मुझे लगता है ये सबको ओके होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके. नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ओके. देखें टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे काम करते हैं. अच्छा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर सीखने से पहले हमें एक चीज सीख लेना चाहिए, टेंजेंट लॉ. अच्छा, नीट वाले लोग एक चीज याद रखें, जो नीट वाले हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि इंस्ट्रूमेंट नीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि फिजिक्स में अगर मैंने बताया था कि नियरली 13 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में, तो 13 एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें से जेई में आता है एक क्वेश्चन, लेकिन नीट वालों में आते हैं 3 क्वेश्चन. तो नीट में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है. तो थोड़ा सा नीट वाले स्टूडेंट्स इसको अच्छे से ध्यान देंगे. क्या? पहले मैं बात करता हूं टेंजेंट लॉ. टेंजेंट लॉ क्या है? देखो, ऐसा कुछ मतलब बहुत बड़ा टफ सा और सा वो कोई चीज नहीं है. सिंपल सा है, व्हेन कंपास इज केप्ट kept in any external magnetic field compass is kept in any external magnetic field B which is perpendicular to the horizontal component of horizontal
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखते हैं बी एच से देन इट्स डिफ्लेक्शन अब समझिएगा क्वेश्चन देखिएगा कि एग्जैक्टली टेंजेंट लॉ में कहानी क्या बताना चाह रहा है सपोज एक कंपास रखा है ये यार कोई कंपास ठीक है तो बताओ इसका नॉर्थ किस तरफ पॉइंट करेगा कंपास की नीडल किस तरफ पॉइंट करेगी बी एच की डायरेक्शन में सब लोग को समझ आया कंपास की नीडल किस तरफ पॉइंट करेगा बी एच की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जब कोई अदर फील्ड नहीं है अब हमने क्या किया एज पर द एक्सपेरिमेंट हमने इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ठीक एक्सटर्नल फील्ड तो कंपास में हमने रख दिया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सटर्नल तो आपको लग रहा होगा कि नीडल कैसे हो जानी चाहिए ऐसे होनी चाहिए डन बट थॉट ये है कि ये गलत हो जाएगा ये वाला फिगर क्या होगा रॉन्ग होगा क्यों बी एच इज ऑलवेज देयर ना अगर आप हॉरिजॉन्टल में देख रहे हो कहीं पे लेट से ये बताने का पर्पज मैं बता रहा हूं सोचो आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कंपास लेके एक मैग्नेट से आप नीडल देख रहे हो क्या वो सही होगी क्या नहीं होगी क्यों क्योंकि बी एच तो हमेशा रहेगी ही ना तो बी एच का इफेक्ट तो हमेशा रहेगा ही समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं हम ही थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा उसमें तो अगर हम बनाए कि एक्चुअल में कंपास कैसा दिखेगा तो रियल में कितने लोग हैं दो लोग हैं कौन ये हमारा बी एच है बी एच इज ऑलवेज देयर और आप किसी एक्सपेरिमेंट से चेक करना चाहते हो लेट से किसका बी का ये क्या है परपेंडिकुलर आप किसी परपेंडिकुलर फील्ड पे चेक करना चाहते हो तो इसका मतलब रियल में क्या नीडल आपकी बी की तरफ पॉइंट करेगी क्या नहीं नीडल किस तरफ पॉइंट करेगी इस डायरेक्शन में समझ आया सबको कि नीडल इधर पॉइंट करेगी ये डिफ्लेक्शन है तो रियल में आपको ये डिफ्लेक्शन दिखेगा तो ये जो है हम बात करें तो ये जो डिफ्लेक्शन है कि उसको रियल में नॉर्थ ये होना चाहिए था बट उसके वजह से थोड़ा सा नॉर्थ चेंज हो गया है इसी को हम टेन थीटा से निकाल सकते हैं और इसलिए इसका नाम बन गया है टेंजेंट लॉ समझ आया इसका नेम टेंजेंट लॉ क्यों हो गया है क्योंकि ये जो है आपको यहीं पे कर देते हैं ये जो थीटा है ये टेन थीटा के फॉर्मेट में हम निकाल सकते हैं तो इसलिए ये बन गया हमारा क्या टैन लॉ बताएं टैन थीटा कैसे निकाल सकते हैं बी ओवर बी एच ठीक या फिर कंपास रख के हम बता देते हैं कि बी कितना होगा बी इज इक्वल टू कितना हो जाता है बी एच टैन थीटा अब मैं फिर से आप एक को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि टेंजेंट लॉ का यूज क्या है समझिएगा सोचो ये एक एरिया है यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कंपास किस तरफ पॉइंट करेगा ऐसे नॉर्थ की तरफ करेगा डन अब सोचो यहाँ पर बी आ गया 20 तो अब कंपास कहीं और पॉइंट करेगा तो ये डिफ्लेक्शन अगर हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि बी कितना होगा वो कितना होगा बी एच इंटू टेन थीटा समझ आया क्या सबको अब बी एच है नोन होता है बी एच ऑलरेडी क्या होता है नोन होता है कोई बताएगा वैल्यू नियरली कितनी होती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार बी एच की नियरली वैल्यू 1 गॉस होती है बट एज पर द क्वेश्चन यूज करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है तो ये था हमारा टेंजेंट लॉ का यूज टेंजेंट लॉ का यूज समझ आया सबको क्या यूज है सिर्फ कि अगर दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है
मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी एच है और ये बी है, तो इसका सिर्फ पर्पज ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थीटा एंगल पर होगी, डन, और बस यही हमारा टेंजेंट रूल है। तो मुझे लगता है टेंजेंट रूल कोई बड़ी चीज नहीं, सबको ओके हो गया होगा। अब काम की बात पे आते हैं, क्या हम क्या पढ़ना चाह रहे थे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, डन। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देखें क्या होता है एग्जैक्टली, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि एक इसकी रिंग होती है, ये सर्कुलर कॉइल, जिसमें हम क्या करते हैं करंट फ्लो कराते हैं। हमें हमारा पर्पस क्या है, गैल्वेनोमीटर है ना, मतलब क्या मेजर करना है, हमें करंट मेजर करना है, ठीक है। तो हमें करंट मेजर करना है, तो कैसे करंट मेजर करते हैं, एक सर्कुलर कॉइल होती है ये, इसमें हम फ्लो कराते हैं करंट, जो भी करंट हमें मेजर करनी है, डन, इसमें करंट फ्लो करा है। यार अगर करंट फ्लो करा है तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना, डन। अच्छा अब हम टेंजेंट लॉ यूज करने वाले हैं, तो अगर हम टेंजेंट लॉ यूज करेंगे तो बी कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू बी एच होना चाहिए, डन। अच्छा अब ये बताओ इसका बी किस तरफ होगा, अगर लूप में इस तरफ करंट आ रही है तो इसका बी किधर होगा, यहाँ पर सेंटर पे बता, बी किस तरफ होगा, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। तो अगर इसका बी इनटू द प्लेन है तो बी एच किस तरफ होगा, अपवर्ड, अरे परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्लियर। और आपको पता है कि बी एच क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो लूप रखना होता है वो किस कहां पर रखना होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में रखना होता है, समझ आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपको लूप शुड बी पैरेलल टू ये मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं यहाँ पर एक 3D फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ, ये फिगर है और अगर आपका लूप इस तरीके से है, ओके, सो इसमें करंट आने वाली है, ये तो ये जो 3D फिगर है इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, डन। तो ये है हमारा जेड एक्सिस, तो ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर ये हमारा प्लेन रखा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो अगर हम करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज डालें तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ होगी, बट अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो बी एच किस तरफ होगा, बी एच हमेशा इसी के अलोंग आएगा ना, तो इसका मतलब ये जो बी एच है वो कहाँ होगा, वो इधर होगा बी एच। और ये दोनों प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ये सबको समझ आ रहा है, ये दोनों प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर प्लेन है, ऐसा 90 डिग्री वाले प्लेन है। तो इस तरीके से आपको रखना होता है इसको, सर्कुलर क्वाइल को, तो सर्कुलर क्वाइल इज केप्ट पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये सबको एकदम याद रखना है, सर्कुलर क्वाइल इज केप्ट पैरेलल टू मैग्नेटिक मेरिडियन, टू मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या,
कैसे यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को? सर्कुलर कॉइल होगी मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो उसके परपेंडिकुलर हमारा बी आ जाएगा और उन दोनों का डिफ्लेक्शन ही होगा कि क्या, कंपास का डिफ्लेक्शन। समझ आया? तो कंपास का डिफ्लेक्शन कैसा होगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अगर ये कंपास है हमारा, अच्छा तो कंपास कुछ इस तरीके से कि ये हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो बीएच किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा। अच्छा हमने अभी देखा फिगर से कि हमें ऐसा करना है कि वो जो सर्कुलर क्वाइल है, वो जो सर्कुलर क्वाइल है 3D में यहां पर रखी हुई है, ये क्या है क्वाइल, ये हमने क्या बनाया है, ये साइड व्यू है, ये क्या है साइड व्यू है। और ये हम कौन सा व्यू बना रहे हैं, टॉप व्यू, मतलब हमें क्या दिखेगा, कंपास दिखने वाला है। तो वो जो कंपास की नीडल है, हमने इसका देखा कि यार इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ आएगी, तो कंपास की जो नीडल है वो हमें बताएगी कि किस तरफ वो डिफ्लेक्ट होने वाली है। तो नीडल कुछ इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ये हमारा क्या है कंपास, यहां पर ये रखा हुआ है कंपास। तो ये जो डिफ्लेक्शन है इससे हमें पता चलता है कि बी कितना हो जाएगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम टेंजेंट लॉ, एज पर टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ मतलब क्या, कुछ है नहीं, जस्ट टेन थीटा है, तो टेंशन नहीं लेने लगना कि टेंजेंट लॉ कोई बड़ी सी चीज है। टेंजेंट लॉ क्या, सिर्फ टेन थीटा डिफ्लेक्शन विल बी बी एच ओवर बी, ये हमारा बी एच। डन। अच्छा एक मिनट, उल्टा हुआ, बी ओवर बी एच होगा ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस बी एच। अच्छा अब ये बताएं कि अगर मैं बात करूं कि ये बी, तो इस बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला कोई बताए बी का फॉर्मूला क्या होता है सर्कुलर लूप के लिए? म्यू नॉट आई बाय टू। हाँ लेट्स से एन लूप्स है वहां पर, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2πr, then sorry 2r is equal to क्या हो गया bh tan theta। तो इसका मतलब ये देखो bh भी पता होता है, tan theta हम एक्सपेरिमेंट से देख लेंगे, तो यहां से क्या आएगा i की वैल्यू आ जाती है। तो ये थोड़ा सा समझें कि कैसे हम करंट निकालते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट से थीटा निकालेंगे और आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2R BH अपॉन म्यू नॉट N, क्लियर, इनटू टेन थीटा। तो ये चीज थोड़ा सा यहां पे समझे कि करंट इज कैलकुलेटेड वेयर थीटा इज एंगल इन द कंपास। कंपास से क्या एंगल मिलने वाला है, एंगल फ्रॉम द कंपास। डन। और बाकी सारी चीजें क्या रहने वाली हैं, कांस्टेंट रहने वाली हैं, ये पूरी चीजें कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू के थीटा, के इंटू टेन थीटा, सॉरी क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू के इंटू टेन थीटा। यहां पर के का नेम देंगे हम, वेयर के इज where k is known as reduction factor, क्या reduction factor, और ये name important है, आपको याद नहीं रहता है कि मतलब exactly पूछा क्या है। so k क्या है, reduction factor, किस बात पर depend करता है, 2R BH upon mu naught into n। समझ आया?
तो अब एग्जाम के लिए क्या करना है, देखो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब समझो एग्जाम के लिए क्या करना होता है, एग्जाम में ऐसे के याद नहीं रहता है, तो एग्जाम में पता है क्या याद रखना होता है, ये लाइन क्या, b इज इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा लिख दोगे और b का फॉर्मूला लिख देना है। अब जो i आएगा वो रिडक्शन फैक्टर रहता है, याद रहेगा एग्जाम में, सबको पैटर्न समझ आया है एग्जाम में क्या करना है रिडक्शन फैक्टर को लेके? हाँ सर। तुरंत आपको b का फॉर्मूला लिख देना है बस, तो रिडक्शन फैक्टर। अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको पता होगा कि रेडियस अगर डबल कर दिया, नंबर ऑफ लूप्स 10 टाइम कर दिया तो रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, समझ गए आप? रिडक्शन फैक्टर इस पे डिपेंड करेगा बस। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा लर्निंग वाला है, आपको याद रखनी पड़ेंगी चीजें तो बेटर आएगा आपको। तो बताओ यार किसी को टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में कोई टेंशन है? क्या करते हैं, थीटा चेक करते हैं और उससे फिर करंट कैलकुलेट करते हैं, समझ आया क्या? अच्छा अब ये बताओ सेंसिटिविटी कब हाईएस्ट होगी इसकी, सेंसिटिविटी बताएं, क्या लगता है इसकी सेंसिटिविटी कब से कब सबसे ज्यादा अच्छी होगी? याद दिलाएं सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन आई, ठीक है, मिनिमम करंट के लिए थीटा कब सबसे ज्यादा होगा, ये चीज। तो ये एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं आती है, हम बताएं थीटा सबसे ज्यादा सेंसिटिव कब होगा, तो ये चीज हम यहां पर लिख देते हैं, इट इज मोस्ट सेंसिटिव When B is equal to BH हो, that means theta कितना हो 45 degree, याद रहेगा ये data? When a tangent galvanometer is most sensitive, बताएं कब, जब B is equal to क्या हो BH हो, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो यार बताओ किसी को कोई डाउट, समझ आया क्या? बताएं भाई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर समझ आया सबको? हाँ सर। देखो यार इंस्ट्रूमेंट टफ नहीं है, दिक्कत है डेटा काफी याद रखना पड़ता है क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट एकदम स्पेसिफिक हैं, तो आपको एमसीजी का भी याद रखना पड़ेगा, चार ही इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी याद रखना पड़ेगा, फिर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी याद रखना पड़ेगा, डन। तो ये दो थे गैल्वेनोमीटर, मतलब जिसमें हम करंट को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा मैग्नेटोमीटर, सो नेक्स्ट है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, अच्छा नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इससे अब हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये किस लिए काम आता है, इट इज यूज्ड टू कंपेयर magnetic moments of different bar magnets. Okay. तो ये बार मैग्नेट को कंपेयर करने में काम आता है, नंबर वन। नंबर टू, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको भी कंपेयर करने में काम आता है, सो यूज्ड टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट
of different bar magnets and horizontal component of Earth's magnetic field. मतलब किसको बी एच को भी कंपेयर करने में काम आता है, बी एच और एम को कंपेयर करने में काम आता है. तो देख लेते हैं, ओके देखिए वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर काम कैसे करता है और कैसे हमें बी एच निकालना होता है. डन. तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है. क्या करते हैं कि एक बॉक्स होता है जिसका ये एक मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट उसमें अंदर होता है और ये बॉक्स हमेशा किसमें रखा जाता है, अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन रखा जाता है. अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो बी एच के अलोंग रखा होगा हमेशा. तो दिस मैग्नेट इज नंबर वन. मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन डन अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन रखा जाता है. ठीक. अब ये जो मैग्नेट है ये क्या है, नोन है भाई, ये है हमारा पूरा मैग्नेटोमीटर. ठीक है. तो मैग्नेटोमीटर के अंदर जो एक मैग्नेट होता है ये नोन मैग्नेट होता है और इससे कंपेयर करके हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने का ट्राई करते हैं. तो नोन मैग्नेट है मतलब इसका एम बी क्या होगा, नोन होगा. समझ आया. ओके. नोन मैग्नेट से हम उसका एम बी पता होता है और हम ये डिफरेंट वाले का एम निकालेंगे. अब करते क्या है एग्जैक्टली, हम इस बॉक्स के बाहर एक मैग्नेट रखते हैं. दिख रहा है सबको ये मैग्नेट, इस बॉक्स के बाहर ये जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है एक मैग्नेट हम रखते हैं. अच्छा, अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये मैग्नेट जो है, ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेटिक की फील्ड पे रखा है. सबको समझ आया, ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेटिक की फील्ड पे रखा हुआ है. तो अगर अगर इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, इस मैग्नेट को हम थोड़ा सा क्या करें, टिल्ट कर दें अगर, तो ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन वहां पर थीटा आ जाएगा. ठीक है. तो वहां पर जब थीटा आ जाएगा तो वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, when magnet is rotated by theta angle. Rotated by small angle theta. Okay. So ये small angle theta से अगर magnet को rotate करेंगे, clear? तो ये मैग्नेट अभी कहां पर रखा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. अच्छा भाई दबे, माय मिस्टेक. जो हमें फाइंड करना होता है, जो हमें फाइंड करना है अननोन मैग्नेट, उसको इस बॉक्स के अंदर रखते हैं. जो भी मैग्नेट हमें फाइंड करना है अननोन मैग्नेट, उसको हम इस बॉक्स के अंदर रखते हैं और थीटा से डिफ्लेक्ट करते हैं. अब बिकॉज हमने उसे मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा हुआ है इसलिए उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैं यहां पर लिखूंगा बिकॉज इट इज केप्ट इन बी एच, तो इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा. टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम बी, बी के जगह बी एच इन टू साइन थीटा. अगर थीटा स्मॉल है तो क्या लिख सकते हैं, इसे सिर्फ थीटा लिख सकते हैं.
तो बेसिकली हमें पता है कि ये क्या करने लगेगा, अगर हमने थीटा रोटेट किया SHM करने लगेगा। तो SHM बस हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, I इंटू अल्फा। और जस्ट मैं टॉर्क ही लिखा रहने देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा एम बी एच, और इसे लिख सकते हैं थीटा। मैंने बताया रिवर्स टॉर्क है, तो आप बोल सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क है, इसलिए नेगेटिव रहेगा। तो ये थीटा माइनस के साथ हम ले सकते हैं। कंपेयर कराएं अगर इसे, कंपेयरिंग विद कौन सी इक्वेशन थी, टाउ प्रोपोर्शनल टू माइनस के थीटा, तो देन क्या होगा, इट इज SHM। ये क्या है, एक SHM है, और SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, 2π√i/m, या 2π√i/k, ये जो k होता था। और यहां से हम कंपेयर करें तो k हमें क्या मिल गया है, m इंटू बी एच, ये हमारा k यहाँ से आ गया है। तो इसका मतलब बात करें कि जो टाइम पीरियड है उस मैग्नेट का वो कितना आने वाला है, 2π√i/m/bh। समझ आया सबको, हम ऑलरेडी इसको एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये फॉर्मूला किसी नीडल के लिए काम आता है। डन। अच्छा टाइम पीरियड क्या है, आप मैनुअली देख सकते हो ना, जैसे SHM कर रहे थे, मैग्नेट क्या करने लगेगा, SHM करने लगेगा, तो SHM करने लगेगा तो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। वेयर टी, टी कैसे कर सकते हैं, वेयर टी कैन बी कैलकुलेटेड, नॉट कैलकुलेटेड, टी कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। ये समझ आया सबको, टी क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। आई कैसे निकाल सकते हैं, आई का फॉर्मूला बताएं, ml²/12। तो बिकॉज ये अपने सेंटर के अबाउट फिक्स है, तो सेंटर के अबाउट रोटेट होने वाला है, तो ये हो जाएगा ml²/12। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्सिया, और बी एच हमें पता ही है। ठीक, तो अब काम की बात करते हैं कि जो हम दो पॉइंट्स बोल रहे थे कि क्या क्या काम है इसका। तो एक तो है कि हम डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, आई पता है, बी एच पता है, सब कुछ पता है, हम निकाल सकते हैं, या फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। तो नंबर वन, सो कंपेयरिंग, कंपेयरिंग एट टू डिफरेंट प्लेसेस, दो डिफरेंट प्लेसेस पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, विद द सेम मैग्नेट, विद द सेम मैग्नेट। अच्छा सेम मैग्नेट है तो क्या रहेगा, एम क्या रहेगा, सेम, बट बी एच क्या, आई क्या रहेगा, ये भी सेम, क्या बदलेगा, बी एच डिफरेंट होगा। तो मतलब अगर मैं टी का फॉर्मूला देखूं, टी इज इक्वल टू 2π, तो टी वन क्या हो जाएगा, 2π√i/m इनटू स्पेस का बी एच वन, और टी टू क्या हो जाएगा, अगर दूसरा टाइम पीरियड दूसरे प्लेस में जाएंगे तो 2π√i/m इनटू बी एच टू। समझ आया सबको, दो डिफरेंट प्लेसेस पे अगर हम यूज करेंगे इसे, तो इसका मतलब ये है कि बी एच किस पे डिपेंड करेगा, सीधा टाइम पीरियड पे। तो इसका मतलब दो प्लेसेस का अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम कंपेयर कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, t1²/t2². समझ आया क्या सबको,
सबको ये पार्ट समझ में आया, कंपेयरिंग एट टू डिफरेंट प्लेसेस, क्लियर? ओके, पक्का ये समझ आया ना सबको? किसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना? अच्छा हाँ, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, T2/T1 होगा। ओके गुड। फिर दूसरा, ये तो था कि दो डिफरेंट प्लेस पे BH को कंपेयर किया, अब एक ही प्लेस पे दो मैग्नेट को भी कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग टू डिफरेंट मैग्नेट्स, एट सेम प्लेस, तो इस बार क्या सेम रहेगा? कंपेयरिंग टू डिफरेंट मैग्नेट्स एट सेम प्लेस, ठीक? तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस बार BH क्या रहेगा? सेम रहेगा, और क्या बदलेगा? M. हाँ, M बदल जाएगा और I भी बदल जाएगा, M चेंज होगा और I भी चेंज होगा दो डिफरेंट मैग्नेट्स को लेने में। अब समझना है कि लेट से हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पर ले रहे हैं, पहले दो मैग्नेट को सिमिलर रख दिया, ये अपना नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये मैग्नेट M1 वाला है और ये मैग्नेट M2 वाला है, डन। अब अगर मैं इसका टाइम पीरियड देखूंगा तो बताओ यार इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2π√ आए दोनों का क्या होगा? ऐड होगा। एम क्या होगा दोनों का? ऐड होगा। अच्छा, अब अगर ये मैग्नेट्स को डिफरेंट कर दें, ये नॉर्थ ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, तो इसका मतलब दोनों का M1 M2 क्या होगा? माइनस, माइनस हो जाएगा। आई माइनस होगा क्या दोनों का? नहीं। ओके, तो आई तो वही रहेगा सर, क्या होगा? M दोनों का माइनस होगा, तो इसका मतलब यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर? क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? आई और कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ M1 प्लस M2 बचेगा, तो इस तरीके का सेटअप बचेगा क्या? T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा? M1 minus M2 upon M1 plus M2। समझ आया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? अब अगर हमें M1/M2 चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो ऊपर आएगा वो T1 square plus T2 square upon T2 square minus T1 square। अच्छा, क्यों T2? क्योंकि ये वैल्यू लेस है तो ये मोर होगी ना, समझ आया सबको? ये M क्या है? कम है, तो इसका मतलब T2 क्या आएगा? ज्यादा आएगा। यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूं, T2 is greater than T1, क्यों? Because its denominator is less। समझ आया सबको ये? तो M1 और M2 का जो रेशियो आएगा वो डायरेक्ट यही आएगा, और आप यकीन मानो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये याद रखना है, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट पूरा नहीं पूछेगा आपसे, हमेशा डायरेक्ट ही इसमें पूछा जाएगा, क्लियर सबको? तो ये दोनों याद रहेंगे सबको, ये तो इजी है, अर्थ का कंपेयर करना मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको एक बार थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, डन भाई? समझ आया सबको? हाँ सर। ओके गुड, लास्ट है
ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर था, नेक्स्ट है हमारा लास्ट है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर तो इसमें ऑफ कोर्स डिफ्लेक्शन के थ्रू हम मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करेंगे। डन। तो बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम है मैग्नेटिक मोमेंट को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर कराना। सो अगर मैं इसका एक्चुअल पर्पस देखूं तो इसका मेन पर्पस है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट को अर्थ के मैग्नेटिक मोमेंट से कंपेयर कराना या दो मैग्नेट का अलग से मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर कराना। तो ओके तो इसके दो यूज है, एक तो क्या है मैग्नेटिक मोमेंट के रेशियो निकालने में, और दूसरा एक नई चीज है एम बाई बी एच बताने में। डन। ओके तो देखें एग्जैक्टली है क्या ये, तो अगर हम बात कर रहे थे कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एग्जैक्टली काम क्या कैसे करता है, तो इसमें एक स्केल होती है और एक कंपास होता है। ओके तो इसमें ये जो है थोड़ा देख सकते हैं इसमें, ओके तो इस पे यहाँ पर ये एक स्केल होती है दोनों तरफ पे, और यहाँ पे हमारा बीच पे मैग्नेट रहता है, कंपास, कंपास या फिर मैग्नेटिक नीडल बोल सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगे, कंपास या मैग्नेटिक नीडल। ओके तो देखिए इसमें एग्जैक्टली कंपेयर करना कैसे है कि इसमें एक नीडल है वो उसके सेंटर पे ऐसे फिक्स है, तो ये बोल सकते हैं कि इधर ये कंपास है और मैग्नेटिक नीडल है फिक्स्ड एट सेंटर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक नीडल को फिक्स कर दो या फिर एज अ कंपास सॉल्व करें। तो इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दो पोजीशन में सॉल्व करते हैं। क्या ये तो हमारा नोन है, ये तो नीडल है, डायरेक्शन बताएगी। सोचो अभी नीडल किस तरफ पॉइंट करेगी, अभी नीडल इस तरफ कर रही है, मतलब इस तरफ हमारा क्या है, नॉर्थ है, मतलब इस तरफ क्या है हमारा बी एच है। अब सोचो आपने एक मैग्नेट लाके रख दिया जिसका आपको फाइंड करना है इससे किसी डिस्टेंस पे, तो आपने एक अननोन मैग्नेट यहाँ पर रख दिया, लेट से यहाँ पर आपने एक अननोन मैग्नेट रख दिया, तो इसे मैग्नेट के लिए ये पोजीशन क्या बन जाएगी, इक्वेटोरियल बन जाएगी ना। अगर आपने मैग्नेट ऐसे रखा तब क्या बन जाएगी, ये एक्सियल बन जाएगी। तो अननोन मैग्नेट को आपको कैसे रखना है इसके बेसिस पे इसमें दो बार डेटा फाइंड करते हैं। तो इसलिए ये तो मैंने बताया कि डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इस टाइप में दिखेगा, बट हमें कंडक्ट करने के लिए दो डिफरेंट पोजीशन पे इसे सॉल्व करना रहता है। क्लियर। तो लिखेंगे
द अननोन मैग्नेट मैग्नेट इज टेस्टेड एट टू डिफरेंट पोजिशंस टू डिफरेंट पोजिशंस तो वो डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर एक एक्सियल में और एक टेंजेंशियल में तो दोनों डिफरेंट पोजिशन को किस तरीके से लिखते हैं हम ओके तो बताओ ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी सबसे पहले ये कैसी पोजीशन है ये अननोन है और ये कौन सी पोजीशन है एक्सियल पोजीशन सबको समझ आया ओके तो एक्सियल पोजीशन जो है उसको हम मैग्नेटोमीटर के फॉर्मेट में दो डिफरेंट नेम से जानते हैं पहले वाले को बोलते हैं हम टेन ए पोजीशन दिस इज नेम्ड एज टेन ए पोजीशन एक्सियल मतलब क्या है टेन ए पोजीशन अच्छा अप्लाई तो इसमें नॉर्मल ही करना है क्या कि हमने जो अननोन मैग्नेट डाला उसके वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी डन तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पता है क्या फॉर्मूला होता है बी का इस मैग्नेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है बी का 2KM/R³ वेरी गुड यार वेरी गुड 2KM/R³ बहुत ही अच्छे वेरी गुड तो ये एक एक्सियल पॉइंट है तो हमें याद रखना है कि ये होता है और ये भी हम लिख सकते हैं μ0/4πk को अलग लिख दिया इसको लिख सकते हैं 2M/R³ ये हो गया बी अच्छा पहले नीडल किस तरफ पॉइंट करने वाली थी जब ये मैग्नेट नहीं था नीडल किधर पॉइंट करती नॉर्थ की तरफ बीएच की तरफ अब इस मैग्नेट को इस तरीके से रख देने से क्या प्रॉब्लम आ गई कि एक नया बी आ गया तो नीडल का डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं ना थीटा क्या कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से फाइंड कर सकते हैं समझ आया थीटा कैन बी सॉल्व्ड और कैन सो थीटा कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन समझ आया सबको थीटा में ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा अच्छा तो अगर हम देखें इस तरीके से तो बी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बी इज इक्वल टू क्या होता है बी एच इन टू टेन थीटा ये क्या है फ्रॉम टेंजेंट लॉ कुछ है नहीं सिंपल सी बात है बट लिखना होता है हमें कि ये स्पेशली पॉइंट है फ्रॉम टेंजेंट लॉ डन सबको समझ आया ये तो यहां से डायरेक्टली हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना क्लियर क्या बी को हम क्या लिख सकते हैं ये फॉर्मूला लिख सकते हैं तो वहां से हम टेन थीटा में पता है सब कुछ को साइड रख सकते हैं तो यहां से देखो m बाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ये क्या आ जाएगा m बाई बी एच ये आ जाएगा बाकी सब कुछ इस तरफ चला जाएगा तो बाकी सब कुछ इस तरफ मतलब क्या आएगा 4π/μ0 × 2 ये b को हम इस तरफ लेके रख रहे हैं और इसे इधर डिवाइड पे ला रहे हैं सो हो जाएगा r³/2 × tan θ समझ आया सबको कि कैसे m बाई b का रेशियो निकाल सकते हैं किसी को कोई डाउट इसमें अच्छा एग्जाम में ऑफ कोर्स m बाई b रेशियो नहीं पूछेगा
क्योंकि ये सारी चीजें इतना डेटा कैलकुलेट आपसे नहीं करवाएगा। उस केस में ज्यादातर आपसे क्या पूछता है, कंपैरिजन पूछता है, तो कंपैरिजन के लिए हमें दूसरा पॉइंट भी पता होना चाहिए। सो सेकंड वन इज टेन बी पोजीशन, ये था टेन ए पोजीशन, सेकंड वन इज कॉल्ड टेन बी पोजीशन। टेन बी पोजीशन में हम कैसे रखेंगे, टेन ए में हमने कैसे रखा है, एक्सियल रखा हुआ है, तो टेन बी में हम कैसे रखेंगे कि इफेक्ट जो है इक्वेटोरियल टाइप का है। डन, ओके। सो ओके, देखिए इस फिगर में, तो अभी हमें क्लियर है, हमने मैग्नेट को इस तरीके से रखा कि हमें पता है नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, बीएच हमारा ऊपर की तरफ है, और हमने इस मैग्नेट को कैसे रख दिया, अब ये मैग्नेट हमने रख दिया इस तरीके से रखा कि यहां पर ये एक्सियल पोजीशन पे, यहां पर जो फील्ड थी इसके लिए ये क्या थी, एक्सियल पोजीशन थी, और इसके लिए ये क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगी यहां पर इक्विटोरियल पोजीशन। तो ये बन गई हमारी इक्विटोरियल पोजीशन। तो वो एक्सियल पोजीशन थी और ये इक्विटोरियल पोजीशन थी। तो मैं अब डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, इतना कुछ नहीं है, अभी आपको स्ट्रेट समझ में आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला अगर हम यहां पर देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बताए बी का फॉर्मूला क्या होता है इक्वेटोरियल के लिए, Km upon R cube। तो इसका मतलब K हो जाता है अपना म्यू नॉट बाई 4 pi, और ये हो गया M upon R cube। अच्छा, दूसरा स्टेप यूजिंग द टेंजेंट लॉ, तो यहाँ पर हमने लिखा कि थीटा कैन बी फाउंड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, नाउ फ्रॉम टेंजेंट लॉ, फ्रॉम टेंजेंट लॉ सिचुएशन क्या आ जाएगी, दैट बी इज इक्वल टू बी एच इन टू टेन थीटा। ये थीटा कब के लिए, ये टेन बी पोजिशन का थीटा है। तो कुछ लोग थीटा भी अलग अलग लिख देते हैं, मतलब थीटा ए थीटा बी टाइप भी लिख देते हैं। थीटा ए क्या हो जाता है, टेन ए का थीटा, और थीटा बी हो जाता है टेन बी का थीटा। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो चाहिए तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये थीटा क्या है, थीटा ए है, मतलब ये टेन ए पोजिशन का थीटा है, और ये बन जाता है हमारा थीटा बी, मतलब थीटा बी टेन थीटा बी वाली पोजीशन का है। अभी फॉर्मूला रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट एम अपॉन 4 pi r³ इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा बी। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें डाउट नहीं है, एम बाई बी एच निकाल लेंगे, एम बाई बी एच इससे क्या आ जाएगा, 4 pi r³ बाई म्यू नॉट और इंटू टेन थीटा बी। आपको क्यों ध्यान देना है, क्योंकि जब बी पोजीशन का टेन थीटा होगा तब यहाँ पर टू नहीं लिखते हैं। आप शार्पली देख रहे हैं ना कि एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पर बी नहीं रखते हैं अगर टेन थीटा बी पोजीशन का है, और ए पोजीशन का है तो फिर रख देते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर टेन थीटा बी। अभी हमें कंपेरिजन लिखना था, क्या कंपेयरिंग बोथ एम, ठीक है, तो ये यहाँ पे कंपेरिजन भी लिख देते हैं। कंपेरिजन पता है दोनों इक्वेशन से चाहे तो दोनों का डिवाइड कर सकते हैं, तो सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, एट द एंड एम वन बाई एम टू का हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो देखें क्या फर्क आ जाएगा, एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा ए
बाई टू इंटू टेन थीटा बी। समझ आया क्या सबको? ओके सॉरी माय मिस्टेक, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं रहेगा। कंपेयरिंग अगर हम देखते तो हम ऐसे ही कंपेयर कर सकते थे, अगर हमें एम वन एम टू अलग अलग कंपेयर करना है, ये तो हमें सेम कंपेरिजन हो जाएगा। अगर हमने आर सेम रखा है, इफ इफ आर इज सेम और मैग्नेट भी सेम है एंड एम इज सेम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेन थीटा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, टू टाइम ऑफ टेन थीटा बी। क्लियर है सबको ये चीज? डन। अगर ये सब कुछ सेम रहेगा तो टेन थीटा बी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, टेन थीटा ए विल बी टू टाइम्स ऑफ टेन थीटा बी। और अगर मैं एक सिंपल कंपैरिजन की बात करूं, सिंपल कंपैरिजन इस तरीके से हो सकता है, एम वन बाई एम टू चाहिए अगर, तो वो हो सकता है टेन थीटा ए फॉर फर्स्ट एंड टेन थीटा बी फॉर फर्स्ट सेकेंड, टेन थीटा ए फॉर सेकेंड। ए से भी कंपेयर कर सकते हो या फिर टेन थीटा बी से भी कंपेयर कर सकते हो, बट दोनों को सेम पोजीशन में आपको रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। समझ आया सबको? ये कंपैरिजन ओके है? किसी को डाउट इसमें? अच्छा, एक और चीज है, अगर हम नल डिफ्लेक्शन मेथड यूज करें, फ्रॉम नल डिफ्लेक्शन मेथड, अच्छा नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है बताएं? नल पॉइंट क्या होता है, कोई बताएगा? मैं ऑलरेडी एक बार यूज कर चुका हूं ये टर्म, नल पॉइंट। इफेक्ट्स गेट कैंसल्ड आउट। या इफ व्हाट गेट कैंसल्ड आउट? इफेक्ट्स। हाँ, व्हाट इफेक्ट्स एग्जैक्टली? मैग्नेटिक। सो इसका मतलब बी नेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका मतलब बी नेट जीरो हो गया तो इसका मतलब थीटा क्या आने वाला है, नो डिफ्लेक्शन। थीटा सेम होगा ना दोनों का, तो इसका मतलब अब क्या सेम नहीं रहने वाला है, आर सेम नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है एम वन बाई एम टू विल बिकम, बताएं क्या हो जाएगा, आर अब डिफरेंट आने वाला है सबका, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू क्यूब, आर वन क्यूब अपॉन आर टू क्यूब। समझ आया कि ये है एट टू डिफरेंट पोजीशंस, अब ये मिलेगा हमें एट टू डिफरेंट डिस्टेंस। पोजीशंस, तो कोई डाउट इसमें? समझ आया सबको कि अगर दो नेट इफेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है, थीटा मतलब दोनों के लिए सेम ही रहेगा, थीटा वन थीटा टू, तो आर पर डिपेंड करेगा, और ये क्या है, सेम पोजीशन पर है, ठीक है, एट सेम पोजीशन, ये सेम पोजीशन के लिए है कि लेट से जो मैग्नेट है उसको यहां से 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, तो पहला मैग्नेट भी 20 सेंटीमीटर पे और दूसरा मैग्नेट भी 20 सेंटीमीटर पे, तो थीटा वन और थीटा टू हमने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन सेकंड केस मैंने क्या बताया, नहीं, आप सर्च करो कि अगर एक का थीटा वन 30 डिग्री है तो दूसरा भी कब आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, लेट से वो मिला 30 सेंटीमीटर पे, तो समझ गए रेशियो कैसे आ जाएगा। सबको समझ आया कि किस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ सर। ओके, तो दैट्स गुड। ये चार इंस्ट्रूमेंट सबको याद रखना है, मैं फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ, चैप्टर रिकैप दिखा रहा हूँ क्या, कि
अगर मैं बात करूं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में तो चैप्टर टोटली चार पार्ट में है. सबसे पहले क्या था, बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्लियर. दूसरा क्या था, अर्थ मैग्नेटिज्म एंड इट्स प्रॉपर्टी. थर्ड क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी. और फोर्थ क्या है, इंस्ट्रूमेंट. उसमें भी चार इंस्ट्रूमेंट है और गैल्वेनोमीटर का पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है. ओके चले, तो यहां से हमारा एक यूनिट, नेक्स्ट यूनिट जो है मैग्नेटिज्म खत्म होता है. मैग्नेटिज्म में तीन चैप्टर थे, इफेक्ट ऑफ करंट, फोर्सेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर. नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा ईएमआई. ईएमआई वर्ड आप जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आपने क्लास टेंथ में थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है इसका, हम इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर हमारा ईएमआई. तो कभी भी अगर मैंने एक चैप्टर बोला मैग्नेटिज्म पूरा आ रहा है, इधर सब ध्यान देंगे, मैग्नेटिज्म पूरा आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, तीनों चैप्टर्स आ रहे हैं मैग्नेटिज्म के. तीन चैप्टर्स कौन से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर. डन चले यार, तो फिर आज के लिए मुझे लगता है काफी है, सारी चीजें सबको समझ में आ गई होंगी. बस आपका काम है याद रखना. अगर आपने याद नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर आप याद रखोगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा. डन ओके देन, बाय बाय एवरीवन. बाय सर. बाय सर. बाय सर.